गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी ने कल देखा मनी का इंट्रोडक्शन, बार्टर सिस्टम और मनी का डेफिनेशन। आज का टॉपिक है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? लिखा है मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि एक अर्थव्यवस्था में लोगों के पास, मतलब पब्लिक, जनता के पास जितना भी अमाउंट, जितनी भी संख्या में रुपए उनके पास रखे हुए हैं एक एक खास पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को हम मनी सप्लाई कहते हैं। लिखा है फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का एग्जैक्ट इसी डेफिनेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है कि मनी सप्लाई क्या होता है। तो लिखा है फीचर्स क्या है, इसकी खासियत क्या है मनी सप्लाई की, कैसे पता चलेगा कि मनी सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। लिखा है इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाई पब्लिक ओनली। मनी सप्लाई के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास जितना भी रुपया है जो उसके पास रखा हुआ है सिर्फ उसी को शामिल करते हैं। तो लिखा है इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाई पब्लिक ओनली। जनता के पास जितना भी रुपया है सिर्फ उसी रुपये को हम मनी सप्लाई में लेते हैं, उसी के द्वारा हम मनी सप्लाई को समझते हैं। डी टर्म पब्लिक, ये पब्लिक शब्द का मतलब ये हुआ कि मनी यूजिंग सेक्टर, वह सेक्टर, वो एरिया जो मनी का यूज़ करते हैं, दैट इज इंडिविजुअल, कोई भी अकेला व्यक्ति या बिजनेस रिलेटेड फॉर्म या बिजनेस रिलेटेड पर्सनालिटीज। इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें शामिल नहीं है मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स, गवर्नमेंट या बैंकिंग सेक्टर्स इसमें शामिल नहीं है क्योंकि वो मनी को क्रिएट करते हैं, वो मनी की सप्लाई नहीं करते, वो मनी को क्रिएट करते हैं। लिखा है दैट इज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम्स एज कैश बैलेंस हेल्ड बाई देम, उनके द्वारा सिर्फ कैश रखा जाता है, डू नॉट कम इन टू एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री। वो देश में एक्चुअल मनी की सर्कुलेशन नहीं करते, वो एक स्टोरेज एरिया होते हैं गवर्नमेंट या बैंकिंग सिस्टम, जो कि मनी को प्रोवाइड करते हैं ना कि सप्लाई करते हैं। सप्लाई पब्लिक के माध्यम से होता है, इसलिए यह एक स्टॉक कंसेप्ट है। और स्टॉक कंसेप्ट आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया गया था, स्टॉक और फ्लो के बीच, कि फ्लो आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है और स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो ये मनी सप्लाई एक पॉइंट ऑफ टाइम कंसेप्ट है, इसलिए ये स्टॉक कंसेप्ट हुआ। और हम बात करते हैं मेजर्स की, कि मनी सप्लाई हम कैसे मेजर करते हैं। तो टिल 1967 to 68 आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूज ओनली नैरो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई जो है मनी सप्लाई के लिए कुछ खास मापदंड इस्तेमाल करती थी, बट लेकिन 1977 के समय में फोर ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का, इवेल्यूएट करने का फोर टाइप के तरीके हैं। चार प्रकार से आरबीआई इसको रेगुलेट करती है या कैलकुलेट करती है, अपने मनी सप्लाई को जानती है, जिसमें शामिल है M1, M2, M3, M4। अभी M1, M2, M3, M4 क्या होता है ये समझते हैं। पहले बात करते हैं हम M1 की, बारी बारी से एक करके पढ़ेंगे हम। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट M1। व्हाट डू यू मीन बाय M1? इट इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ये एक बिगिनिंग स्टेप है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने की, मेजर करने की। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसे हम ट्रांजेक्शन मनी भी कहते हैं, इसे हम ट्रांजेक्शन मनी के नाम से भी जानते हैं, एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये पहला स्टेज होता है जहाँ से हम अपने किसी भी लेन देन को कम्प्लीट करने के लिए यूज़ मनी का करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि M1 इक्वल टू करेंसी एंड क्वाइंस विथ पब्लिक, जनता के पास जितने भी करेंसी या क्वाइंस सिक्के हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के द्वारा जितना भी DD बना हुआ है, जितना भी डिमांड डिपॉजिट जमा किया हुआ है, एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI या RBI के साथ, या RBI को जो भी डिपॉजिट दिया गया है, इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो हम मनी सप्लाई फर्स्ट मेथड से हम जान पाएंगे। लिखा है M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ये पहला ऐसा माध्यम है जिससे बड़ी इजीली तरीके से कैश के फॉर्म में आपका मनी होता है, या उसको देख सकते हैं एज ऑल इट्स कंपोनेंट, क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो इजीली यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके जितने भी तरीके हैं, चाहे वो करेंसी हो या क्वाइन हो, DD हो या अदर डिपॉजिट तरीके हो RBI के पास, ये सब के सब तुरंत मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करते हैं। मीडियम एक्सचेंज मतलब कि इसके द्वारा आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं इजिली। अब इसमें जिसके एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो क्या क्या दे रखे हैं कि करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक, जनता के पास करेंसी और क्वाइंस का क्या मतलब है। इट कंजिस्ट ऑफ पेपर नोट, इसमें कागज़ के नोट शामिल है और सिक्के शामिल हैं जो कि जनता के पास होते हैं।
याद ये करना है कि एनी करेंसी हेल्ड विद गवर्नमेंट एंड बैंक इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। अगर कोई भी करेंसी या क्वाइन अगर बैंक या सरकार के पास है तो उसको हम मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते हैं। इट इंक्लूड्स क्वाइंस, क्वाइंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेशन क्या होते हैं, 10 के सिक्के, 5 के, 2 के, 1 के सिक्के हो गए। और हम पेपर नोट की बात करें तो 2000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट इत्यादि। करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फर्स्ट फिएट मनी। हम करेंसी मनी को ही फिएट मनी के नाम से जानते हैं। आप सभी ने इस पॉइंट को अच्छे से समझना है क्योंकि फिएट मनी के का डेफिनेशन कई बार पूछ जाता है या MCQs में एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि करेंसी मनी को ही हम फिएट मनी कहते हैं और इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। फिएट मनी इज डिफाइंड एज मनी। फिएट मनी उस मनी को कहते हैं विच इज अंडर अ फिएट और ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी। फिएट मनी उस मनी को कहते हैं जो कि सरकार ने ऑर्डर दिए हैं कि उसको आप एक ऐसा माध्यम जिसे आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के बदले रिसीव कर सकते हैं या पे कर सकते हैं, एक कॉमन मीडियम जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उस मीडियम को, दैट इज नोन एज फिएट मनी कहते हैं, उसको फिएट बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया अंडर लॉ, अपनी कानूनी तौर पर वो लीगल है, कानूनी तौर पर इसको सरकार ने मान्यता प्राप्त की है करेंसी और क्वाइंस को, जो कि हर किसी के द्वारा रिसीव किया जा सकता है, कोई इसका विरोध नहीं करेगा, यानी हम रुपए या करेंसी या सब क्वाइंस नहीं लेंगे, कोई मना नहीं कर सकता। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेब्ट, ये किसी भी कर्ज के लिए, ये पेमेंट फॉर द पेमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट रखा है इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड, इसको हम लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। हम करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक जो होता है उसे हम टेंडर मनी भी, लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट कैन बी लीगली, क्योंकि ये कानूनी तौर पे पेमेंट करने के लिए किसी भी ऑब्लिगेशन, किसी भी प्रतिबंध या किसी भी फ्यूचर फर्दर रिपेमेंट के लिए ये एप्लीकेबल होता है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, इसलिए ये लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड डिपॉजिट, DD, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट का होना, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट, ये वो डिमांड डिपॉजिट होता है पब्लिक के पास विद द कॉमर्शियल बैंक। जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स के पास जितने भी पब्लिक की जो अमाउंट डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं विच कैन बी इनकैश्ड बाय इशूइंग चेक एट एनी टाइम बाय अकाउंट होल्डर। मतलब कोई भी पर्सन जिसका किसी भी बैंक में खाता है, वो उसके खाते में जितना भी अमाउंट है वो कभी भी कहीं से भी निकाला जा सकता है पर्टिकुलर बैंक के ब्रांच के द्वारा, तो इसलिए वो एज अ डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट, डिमांड जब चाहे तब हम उसको डिमांड के आधार पे मांग करें और बैंक हमें दे दे, दैट इज़ नोन एज डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास जो भी एज अ अकाउंट होल्डर का जो भी अमाउंट पड़ा होता है उसको जब चाहे तब वो निकाल सकता है। अ डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज इक्वल टू करेंसी हेल्ड एज इट इज रेडली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, और इसे कानूनी तौर पे इसके द्वारा, इसको यूज़ करके, डिमांड डिपॉजिट का यूज़ करके हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। लिखा है ओनली नेट डिपॉजिट, इट मस्ट बी डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन ऑन नेट बेसिस। हमें डिमांड डिपॉजिट नेट बेसिस पे लेना है, ग्रॉस बेसिस पे नहीं लेना। दैट इज इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड, अगर इंटर बैंक डिपॉजिट्स है तो उसे आप हटा देंगे। अब इंटर बैंक डिपॉजिट्स क्या होता है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अदर बैंक, मतलब दूसरे बैंक के बिहाफ पे कोई दूसरे बैंक के पास अगर डिपॉजिट है तो उसे हम कहते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट। सपोज मान लीजिए कि आपका डिपॉजिट है, सपोज आपका चेक है, अगर आपको डिमांड डिपॉजिट लेना है, अगर मान लीजिए आपका अकाउंट है SBI में लेकिन SBI आपके लोकेलिटी में नहीं है, तो आप उस चेक को दूसरे अदर बैंक के पास ले जाते हैं, बोलते हैं कि हमें इसका अमाउंट दीजिए, तो वो ऐसा हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो इस पर्टिकुलर बैंक का चेक नहीं होगा जिससे आप अमाउंट रिसीव करना चाहते हैं। सच डिपॉजिट, ऐसे डिपॉजिट होते हैं डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता, वो उसे मनी सप्लाई नहीं होता है, एज दे डू नॉट बिलोंग टू पब्लिक, क्योंकि वो पब्लिक से जुड़ा हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट है अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, कुछ ऐसे डिपॉजिट जो RBI से संबंधित हैं।
इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक एंड गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एट्सेट्रा। ये वो सारे डिपॉजिट है जो कि आरबीआई को के बिहाफ पे फॉरेन बैंकों या गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को सब दी जाती हैं। इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें शामिल नहीं होता है डिपॉजिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई। अगर आरबीआई को अगर कॉमर्शियल बैंक या इंडियन गवर्नमेंट की बैंक अगर देती है डिपॉजिट तो उसको शामिल नहीं करते हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक, इसी में आगे लिखा है कि इट मस्ट बी नोटेड, आपको ध्यान रखना चाहिए कि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई कंस्टिट्यूट अ वेरी स्मॉल पोर्शन, बहुत कम हिस्सा होता है M1 मेथड का, देयरफॉर इसलिए दे डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मूला। यही कारण है कि इसको उतना अहमियत नहीं दी जाती क्योंकि इसका बहुत नॉमिनल सा पोर्शन होता है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए। एक क्वेश्चन आता हमारे सामने, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी, सबसे शक्तिशाली मनी कौन है, कौन सी है? तो लिखा है एच, हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड को एच से सिम्बलाइज किया गया है। हाई पावर्ड मनी इज मनी प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट, आरबीआई एंड गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है मनी उसी को हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, इसमें दो बातें होती हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो जनता के पास करेंसी होता है, कैश रिजर्व विद द बैंक, या बैंक के पास जो कैश रिजर्व होता है, इन दोनों को मिलाकर के हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं मनी, इसको एम बोलते हैं, वर्सेस हाई पावर्ड मनी, क्या डिफरेंस है दोनों। मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, मनी में करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जबकि हाई पावर्ड मनी में करेंसी के साथ साथ कैश रिजर्व होता है बैंक्स के पास। इसका मतलब ये होता है कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास जो करेंसी है इज कॉमन इन बोथ देम, मतलब दोनों माध्यम में करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक सेम है। दी ओनली डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है कि मनी इंक्लूड, मनी में डिमांड डिपॉजिट होता है जबकि हाई पावर्ड में कैश रिजर्व बैंक के साथ जो होता है वो उसमें शामिल होता है। एच इज हायर हाई पावर्ड एज कम्पेयर टू एम, हाई पावर्ड मनी में एच का मतलब हाई पावर्ड मनी हो गया और एम का मतलब सिंपली मनी हो गया, क्यों, क्योंकि कैश रिजर्व पार्ट ऑफ एच, क्योंकि कैश रिजर्व किसका पार्ट है, हाई पावर्ड मनी का सर्व करता है एज द एक्चुअल बेस, क्योंकि वही एक आधार होता है डिमांड डिपॉजिट्स को उत्पन्न करने का या जनरेट करने का। तो इस तरह से आपने M1 के बारे में जाना, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं M2 के बारे में और M3 और M4 के बारे में। थैंक यू।